फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव के ठौत में प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर उसकी शव को अपने ही घर में गाड़ दिया और पूरा परिवार फरार हो गया। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी गौरव 2 साल बाद पुलिस की हिरासत में आया। वहीं पुलिस ने गौरव की निशानदेही पर शव को उसके घर से जमीन से निकलवाए तो पूरा गांव बालिका के नरकंकाल को देखकर चौंक गया। पूरा मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव के ठौत का है, जहां 20 वर्षीय खुशबू पुत्री भीकम पिछले वर्ष दीपावली की दौज को 21 नवंबर 2020 से अपने घर से गायब हो गई। खुशबू के गायब होते ही उसकी माँ आशा देवी और पिता भीकम सिंह ने उसकी रिपोर्ट सिरसागंज थाने में गौरव के खिलाफ नाम दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी अपने परिवारजनों के साथ अपने घर से फरार हो गया था। तब से लगातार पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौरव को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर गौरव ने बताया कि उसने एक वर्ष पूर्व ही खुशबू की हत्या करके उसको घर में ही दफना दिया। गौरव की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर की खुदाई कराकर खुशबू के कंकाल को बरामद कर लिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। INA के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ विष्णु कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए 23/11/2020 को एक मुकदमा लिखा गया था खुशबू नाम की बच्ची उसके गुम होने का। तो जब तब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये पता चल गया कि उसके किसी गौरव नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग थे। जब गौरव को हमने गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने पूछताछ में कबूला कि मैंने उस खुशबू नाम की लड़की को अपने घर में दफना दिया था, और मौके पर गौरव और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बरामद क्या बरामद हुआ? देखिए उसके जो हड्डियाँ हैं अवशेष वो मिले हैं और 2 फावड़े मिले हैं घर के अंदर ही।